सारा, सारा। नील को जब इस बात का एहसास हुआ कि सारा उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दे रही, उसने एक दो बार सारा का नाम पुकारा, लेकिन उसे अभी भी सारा से कोई रिएक्शन नहीं मिला। उसने अपनी लेफ्ट बाइसेप पर सारा की स्टेडी पेस में चल रही सांसों को फील किया। वो अपने आप को सारा की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। नील ने देखा कि सारा कंफर्टेबली उसके कंधों के सहारे गहरी नींद में खो गई थी। नील ने सारा के बालों को सहलाते हुए उससे धीमी आवाज में कहा, गुड नाइट सारा। सारा के सिर से जेंटली हाथ फेरते हुए नील को उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। सारा के साथ मिस्टर अजीत सबरवाल के सी फेसिंग बंगलो के बाहर हुई मुलाकात, सडनली सारा को तकलीफ में देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड होने का अनाउंस करना, उस पर सारा का इरिटेटेड रिएक्शन और आज के पूरे दिन उसके साथ बिताया हुआ वक्त। नील को सारा के साथ की मेमोरीज का एक एक डिटेल याद था। उसने सोई हुई सारा से नरमी भरी आवाज में कहा, थैंक यू मुझे रियलाइज करवाने के लिए कि मैं एक रिलायबल इंसान हूं। क्या तुम जानती हो मेरी लाइफ में डैड की एब्सेंस की वजह से मैं कभी रिस्पॉन्सिबल बनना क्या होता है ये समझ ही नहीं पाया। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मैं वादा करता हूं तुम मुझ पर हमेशा डिपेंड कर सकती हो। कुछ देर तक वैसे ही उस खुशनुमा शाम की ठंडी हवाएं और प्लेजेंट चमचमाते तारों भरे आसमान के नीचे नील सारा को निहारते हुए बैठा रहा। उसके बाद नील सारा की नींद को डिस्टर्ब किए बिना उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में ले गया। रोजवुड रिजॉर्ट के ही किसी एक कमरे में, मैनेजर रोशेल ये देखिए मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, आप एक बार देख लीजिए, ये जैसा बना है आई डोंट थिंक कि अब हमें और शूट करना चाहिए। इसके बाद तो एम कॉर्पोरेशंस और अलीशा इतने जोरों से मुंह के बल गिरेंगे कि कभी भी किसी की स्ट्रेटेजी इमिटेट करने का सपने में भी नहीं सोचेंगे। मैनेजर शाह ने रोशेल को अपने काम के बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहा। उनके बात करने के अंदाज में अपनी जीत की सर्टेनिटी साफ साफ नजर आ रही थी। जब मैनेजर शाह को पहली बार पता चला था कि उनकी स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप कॉपी करने के बाद एम कॉर्पोरेशंस को अलीशा के साथ कोलैबोरेट करके बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी तो वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के बाद उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया था और इस एड को आज तक का सबसे टेम्पटिंग और स्टनिंग बनाने के लिए वो अपना हर एफर्ट लगाना चाहते थे। ओके मैनेजर शाह, अब आप रेस्ट कर लीजिए, मैं ये सब देख लूंगी, और रही बात कल शूट करने या ना करने की, तो मुझे लगता है कि हमें एक्स्ट्रा क्लिप्स को सेफ साइड शूट कर लेना चाहिए। फिर भी मैं एक बार रोहन से बात करके फिर आपको कल बताती हूँ। रोशेल की बात सुनकर मैनेजर शाह ने अपने रूम में जाते हुए उससे पूछा, डिनर का क्या प्लान है? मुझे लगता है हमें मिस मलिक और नील सर को प्राइवेसी देनी चाहिए, अपने अपने रूम में ही डिनर कर लेते हैं। उनकी समझदारी भरी बात सुनने के बाद रोशेल ने भी उनको अपना कंसेंट दे दिया। मैनेजर शाह के वहां से जाने के बाद रोशेल ने एक बार सारा और नील के उस एड को देखा। रोशेल ने सारा और नील की केमिस्ट्री की तारीफ करते हुए कहा, ये दोनों अपना प्यार कभी जाहिर होकर नहीं दिखाते, बट एज ए कपल ये दोनों परफेक्शन की अलग ही लेवल पर एक दूसरे को सूट करते हैं, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। रोशेल रोजवुड रिजॉर्ट के प्रमोशनल कैंपेन का एड देखकर सेटिस्फाइड फील करने लगी। उसने वो एड तुरंत ही रोहन को सेंड कर दिया। लैपटॉप बंद करके जैसे ही रोशेल डिनर का ऑर्डर देने जा रही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। जब उसे कॉलर आईडी पर रोहन का नाम फ्लैश होते हुए दिखा, रोशेल ने बिना देर लगाए कॉल रिसीव कर लिया। रोहन ने रोशेल से सवाल किया, उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ साफ झलक रही थी। अनबिलीवेबल, नील ने सारा को किस कैसे कर लिया? तुमने उन्हें ब्लैकमेल किया या उन दोनों को हिप्नोटाइज किया? कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की कि दोनों इस बात के लिए मान गए? एक साथ रोहन के इतने सारे सवालों को सुनकर रोशेल का दिमाग जंबल्ड हो गया। वो रोहन की इतनी एक्साइटमेंट को देखकर कंफ्यूज लगने लगी। उसी कंफ्यूजन में रोशेल ने रोहन के सवाल के बदले सवाल करते हुए कहा, इसमें इतना सरप्राइज होने जैसा क्या है? एक किस ही तो है, वो भी ज्यादा इंटीमेट नहीं है,
और रिलेशनशिप में होने के बाद कौन ऐसी छोटी बात पर ऐसा रिएक्ट करता है। रोहन अभी भी विराज के साथ एथेंस टू सेंटोरिनी की फेरी राइड पर था। एड के उस वीडियो को देखने के बाद रोहन रोशेल को किसी गॉडेस से कम नहीं समझ रहा था। उसने एग्जैजरेट करते हुए रोशेल से कहा, अरे इतने दिनों से सारा और नील को इतने करीब से ऑब्जर्व करने के बाद क्या इस बात का पता चलना मुश्किल है। इस पॉइंट पर रोशेल रोहन की हर बात से ही कंफ्यूज हो रही थी। उसने अपनी उलझन को रोहन से बिल्कुल भी नहीं छुपाया। उसने रोहन से पूछा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे सारा और नील की कौन सी बात का पता चलना चाहिए। रोशेल के सवाल का जो जवाब रोहन ने दिया, उसके बाद रोशेल के हाथ से उसका फोन गिरने ही वाला था। रोहन ने कहा, सारा और नील असली रिलेशनशिप में नहीं है, वो तो नील ने उस दिन सारा को रिपोर्टर से बचाने के लिए झूठ कहा था। इस बात का रोशेल पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि रोहन की बात उसके कानों में इको हुए जा रही थी। वो बेड का सहारा लेते हुए उस पर बैठ गई। उसने रोहन से एक और बार इश्योर होने के लिए पूछा, इज दैट ऑल फेक, मतलब कुछ देर पहले तक मैं जिन्हें मेड फॉर ईच अदर कपल समझ रही थी वो बस एक साथ होने का प्रटेंड कर रहे थे। रोहन उसे समझ सकता था। सारा और नील की केमिस्ट्री के कई सारे जेन्युइन फैंस थे। भले ही उनका रिलेशनशिप सच्चा ना हो, लेकिन उनकी बहस में भी दोनों एक साथ परफेक्ट लगते थे। सारा और नील का हर एस्पेक्ट किसी को भी उनका फैन बना सकता था। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। रोहन की कही इस बात पर रोशेल का रिएक्शन बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट था। रोशेल ने ड्रामेटिक अंदाज में उदास लगते हुए कहा, एड का पूरा एडिटिंग होने के बाद जो वीडियो मैंने देखा, मैं सरप्राइज थी, क्योंकि उसे देखने के बाद से मुझे डीडीएलजे का सीक्वेंस पार्ट देखने वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। लेकिन ये सब तो एक झूठ है। नो, ये झूठ नहीं हो सकता। अब रोशेल की ऐसी बात सुनने के बाद रोहन को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि उसे रोशेल से क्या कहना चाहिए। रोहन ने फिर कुछ सोचते हुए रोशेल को कोई एक्साइटिंग सा ऑफर देते हुए कहा, अब तुम इस बात से इतनी परेशान हो रही हो तो क्यों ना इस झूठ को सच में बदल दें। रोहन का ये ऑफर सुनने के बाद रोशेल कुछ देर इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगी। वो इस ऑफर के सक्सेसफुल होने की तसल्ली करना चाहती थी। उसी इरादे से उसने रोहन से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? रोहन को तो इस बात की खुशी थी कि कोई उसके इस मैच मेकिंग प्लान में साथ देने के लिए तैयार था। रोहन ने रोशेल को प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल रीजंस को नजरअंदाज किया जाए तो सारा और नील एक दूसरे को एज ए पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की पर्सनालिटीज को अप्रिशिएट करते हैं और वक्त आने पर एक दूसरे के लिए केयर भी करते हैं। इट मींस उनके रिलेशनशिप के डेवलप होने के कई सारे चांसेस अवेलेबल हैं। रोहन के इस डीप एक्सप्लेनेशन के बाद रोशेल का मूड नोजी हो गया और उसने इस प्लान में रोहन का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, ओके, आई मीन, साथ मिलकर एक झूठे रिश्ते को एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल देते हैं। अगली सुबह, कल के दिन का पूरा हेक्टिक शेड्यूल सारा और नील को बहुत थका चुका था। यूजुअली सुबह जल्दी उठने वाला नील आज 8 बजे तक सो रहा था। खिड़कियों पर लगे सफेद कर्टन्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए कमरे को रोशन करने का काम कर रहे थे। आंखों पर आ रही लाइट ने सारा की नींद को डिस्टर्ब करने का काम किया। एक दो बार करवट बदलने के बाद भी सारा कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उसने आधी नींद में ही बेचैनी से अपना कंबल अपने आप से दूर करते हुए कहीं फेंक दिया। व्हाट द हेल, रोहन अब ये क्या नया तमाशा है? सारा ने किसी आदमी की होर्स और डीप आवाज सुनी। अब तक नखरे कर रही सारा की नींद अचानक से गायब हो गई और सारा उठकर सीधी बैठ गई। अपनी आंखों को मसलते हुए सारा ने आसपास देखा। उसने देखा कि उसी के बेड पर एग्जैक्टली उसकी ही राइट साइड में कोई सोया हुआ था। इस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए सारा ने मन ही मन में कहा, कल रात मैंने कोई अल्कोहल कंजम्पशन नहीं किया था तो फिर मैं ऐसी हालत में कैसे? सारा कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाने लगी। फिर उसने अपने पास सोए हुए इंसान को ध्यान से देखा। सारा ने नोटिस किया कि वो किसी लड़के का फिजिक था। उसने फिर दिल ही दिल में कहा,
कल रात की आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं पोकर फेस नील के साथ पॉन्ड के पास बैठकर बातें कर रही थी। तो फिर ये, जब सारा ने नील के बारे में याद किया, उसने कंफर्म करने का डिसाइड किया। उसने अपने पास सो रहे उस लड़के के चेहरे से कंबल उठाने का सोचा। जैसे ही उसने हल्के से कंबल उठाकर देखा, वो शॉक्ड हो गई। उसने दूसरी तरफ अपना मुंह छुपाते हुए मन ही मन में कहा, बेवकूफ सारा, ये तूने क्या किया? तुझे और कोई नहीं मिला था क्या? उफ यार, ये पोकर फेस अब मेरी जिंदगी को अजीब बनाकर रख देगा। एक सेकेंड। सोचते सोचते सारा को किसी बात का ध्यान आया और उसने अपने कपड़े चेक किए। जब उसे इस बात की तसल्ली हुई कि उसके कपड़े सही थे, उसने रिलीव्ड फील किया। थैंक गॉड, इस दुनिया में अच्छाई जिंदा है। लेकिन ये नील सबरवाल मेरे बेड पर क्या कर रहा है? कहीं ये सिचुएशन का एडवांटेज लेने तो नहीं आया था ना? और जब सारा को अपनी इज्जत के खतरे में होने का एहसास हुआ, उसने बिना कुछ सोचे नील को बेड पर से नीचे किक कर दिया। नील क्या हो रहा है ये समझ ही नहीं पाया। उसके दिन की शुरुआत ऐसी भी हो सकती है, ये नील ने कभी भी नहीं सोचा था। नील ने अपने साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये जानने के लिए यहां वहां देखा। अचानक उसकी नजरें सारा की गुस्सैल नजरों से जा मिली। नील को याद आया कि कल रात सारा को रूम में लाने के बाद वो उसे देखते देखते वहीं सो गया था। सारा, लेट मी एक्सप्लेन। नील जब पूरी बात सारा को बताने ही वाला था, सारा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, गेट आउट ऑफ दिस रूम नाउ। नील ने सारा को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। वो सारा के एंगर को और ज्यादा ट्रिगर नहीं करना चाहता था, इसलिए नील चुपचाप बिना कोई सफाई दिए कमरे से बाहर चला गया। सारा नील के इतने काम रिएक्शन से कंफ्यूज थी, लेकिन वो इस बार अपने गुस्से को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ देर के बाद रोशेल के शॉर्ट नोटिस पर सभी सैंटोरिनी आइलैंड के पेरिजा बीच पर पहुंच गए। सारा और नील एक दूसरे को बस अवॉइड किए जा रहे थे, यहां तक कि वो दोनों सीन्स शूट होते वक्त भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे। उन दोनों के ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर रोशेल और रोहन सोच में पड़ गए। रोहन ने रोशेल से क्वेश्चन करते हुए कहा, आर यू श्योर के कल जिन्होंने किसिंग सीन दिया था वो सारा और नील ही थे, या फिर तुमने कोई फोटोशॉप का यूज किया है? रोहन के ऐसे सवाल को सुनकर रोशेल ने उसे घूर कर देखा। अपनी ऑनेस्टी को प्रूफ करने के लिए रोशेल के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने रोहन से कहा, तुम जाकर उन दोनों से क्यों नहीं पूछ लेते? सच बताना, क्या वो तुम्हें एक बार फिर से किस करके दिखा देंगे? रोशेल की बात का असली मतलब समझते हुए रोहन ने उसे बटरिंग करते हुए कहा, सॉरी सॉरी, माय बैड। मुझे लगता है इनके बीच जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा। आई गेस कि हमें कुछ करना चाहिए। रोहन की ये बात सुनकर रोशेल की सारी नाराजगी दूर हो गई। उसने फिर कुछ सोचने के बाद रोहन के कान में कुछ कहा। रोशेल की उस बात को सुनने के बाद रोहन के चेहरे पर एक मस्ती भरी मुस्कान छा गई और उसने रोशेल को अपनी सहमति जताते हुए अपना थम्स अप दिखा दिया। रोहन ने सभी से कहा, चलो चलो, अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी का काम लंच के बाद करते हैं। और ये कहकर सभी पेरिजा बीच से चले गए। रोजवुड रिजॉर्ट में एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नील और सारा ने सबके साथ अपना लंच किया। लंच के बाद रोशेल ने सारा को नेक्स्ट आउटफिट के लिए उसके कमरे में जाकर वेट करने को कहा। सारा विराज के साथ कुछ डिस्कस करने के बाद रोशेल के कमरे में गई। वहां ऑलरेडी कोई था। उसने देखा कि वहां वो इंसान था जिसे सारा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। नील भी उसे वहां देखकर नर्वस हो गया। अपने वहां होने के रीजन को बताते हुए उसने कहा, वो रोशेल ने मुझे यहां पर कॉस्ट्यूम के लिए बुलाया था। जैसे ही सारा उसे कुछ रिप्लाई देने वाली थी, रोशेल कमरे के अंदर आ गई। उसके हाथों में कुछ फ्रूट्स और मिनरल वाटर बॉटल्स थीं। रोशेल ने दोनों का ध्यान भटकाने के इरादे से कहा, अरे मैं भी ना, मैंने आप दोनों के आउटफिट्स आयन करवाने लॉन्ड्री में दिए थे। एनीवे, मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। और अपनी बात कहने के बाद फ्रूट्स और पानी को वहीं रखकर रोशेल कमरे से बाहर चली गई। क्या ये कॉल करके आउटफिट्स को रूम में ही डिलीवर करने के लिए नहीं कह सकती थी? सारा ने अपनी उलझन को एक्सप्रेस करते हुए कहा। लेकिन जब उसने नील को अपने साथ वहां नोटिस किया,
वो चुप हो गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद भी जब रोशेल वापस नहीं आई, सारा और नील की बेचैनी बढ़ने लगी। सारा ने जाकर उसे बुलाकर लाने का आइडिया दिया और दरवाजे की तरफ चली गई। लेकिन फिर उसे जो पता चला उसके बाद सारा हैरान हो गई। सारा ने नील को चिल्लाते हुए बताकर कहा, नील, आई थिंक हम कमरे में लॉक हो गए हैं। से ही सारा ने चिल्लाकर नील को रूम के बाहर से लॉक होने का बताया, नील भागकर सारा के पास आया। उसने सारा की बात को नजरअंदाज करते हुए खुद दरवाजा खोलने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ अकेले रहने के लिए तुमसे झूठ बोलूंगी? हद है नील सबरवाल, हद है। अगर आज ये दरवाजा तुमने खोल दिया तो मैं हर वो बात मान लूंगी जो तुम कहोगे। सारा ने नील से गुस्सा होते हुए उससे कहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी नील उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। उसने सारा को सफाई देते हुए कहा, देखो सारा, मैं बस ट्राई कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, वो तो तुम हो जिसे मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए नील के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। सारा अभी भी आर्ग्यूमेंट करने के मूड में थी। उसने नील से ही उल्टा सवाल किया। सारा ने नील से पूछा, अच्छा और ऐसा कब हुआ, बताओ तो जरा। सारा के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो वो नील से किसी बात का हिसाब मांग रही हो। सारा का ये सवाल सुनने के बाद नील भी फ्यूरियस लगने लगा। उसने सारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आज सुबह मेरी कोई भी बात सुने बगैर तुमने अज्यूम कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। नील की कही इस बात को सुनकर सारा ने भी अपना पॉइंट सामने रखा। उसने नील से कहा, जो आखिरी बात मुझे याद थी वो ये है कि हम दोनों कल रात पॉन्ड के पास बैठे थे और अगले दिन उठने के बाद तुम मेरे बेड पर मेरे साथ सोए हुए थे। इसके बाद हर लॉजिकल पर्सन वैसे ही रिएक्ट करता जैसे मैंने किया था। सारा की इस बात को सुनने के बाद नील उसे कुछ एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर उसने सारा को ब्लेम करते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम्हारे लॉजिक में ही प्रॉब्लम है। वो तुम थी जो बैठे बैठे सो गई थी। गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें उठाकर तुम्हारे रूम में लाने की मेहनत की। मुझे तुम्हें वहीं गार्डन में छोड़ देना चाहिए था। सॉरी, माय मिस्टेक। और अपनी बात कहकर नील सारा से दूर चला गया। अंदर कमरे में वो सारा की तरफ पीट करके बेड पर बैठ गया। उसे गुस्सा दिखाते हुए देखकर सारा भी अपने आप को शांत नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो गिल्टी फील करने लगी। सारा ने मन ही मन में कहा, क्या मैंने उसे ज्यादा ही सुना दिया? उसकी बात भी तो सही है। मेरी हेल्प करने के लिए वो मुझे गार्डन से मेरे रूम तक उठाकर ले गया। मैं ये कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ कि वो भी मेरे जितना ही टायर्ड होगा। सारा भी धीरे धीरे बेड के पास आने लगी। उसने अपनी सोच को कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। वैसे भी सबरवाल सर हमेशा कहते थे कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी गलती ना मानना गलती करने से भी बुरी बात है। और मन ही मन में नील को सॉरी कहने का डिसाइड करते हुए सारा जाकर उसके पास बैठ गई। नील, सारा जैसे ही नील से अपनी बात कहने वाली थी, नील ने उसे इंटरप्ट किया। उसने नाराजगी से टॉपिक को खत्म करने के इंटेंशन से सारा से कहा, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। माय बैड। सारा ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसका नाम लिया, नील। लेकिन नील है कि सारा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसने एक बार फिर से सारा को बीच में ही रोकते हुए कहा, अच्छा ओके, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वो रोशेल को लगता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, तो इसलिए उसने हम दोनों को एक ही रूम दिया था। मैंने अपना सामान तो रोहन के कमरे में रखवाया था और कल रोहन रात को देर से यहां पहुंचा तो मैं उसका वेट करते करते यहीं सो गया। नील अपनी इस बात को कहते हुए एम्बैरस्ड नजर आ रहा था। उसकी इस बात को सुनने के बाद सारा पहले से और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगी। उसे मन ही मन में अपनी बेवकूफी भरी हरकत पर गुस्सा आने लगा। सारा ने इस बार नील का नाम लिए बगैर डायरेक्ट अपनी बात को कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सारा को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर नील कंफ्यूज हो गया। अपनी कंफ्यूजन को साफ साफ जाहिर करते हुए नील ने सारा से पूछा, मतलब मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, तो फिर
तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? सारा नील की कही बात का मतलब समझ रही थी। जितनी रूडनेस के साथ सारा सुबह उसके साथ पेश आई थी, उसके बाद शायद ही उसकी माफी को एक्सपेक्ट कर पाता। सारा ने अपनी बात को इलैबोरेट करते हुए कहा, मुझे सुबह इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली सिर्फ आज ही नहीं, मैंने हमेशा से ही तुमसे बुरा बर्ताव किया है। उस हर बात के लिए मैं आज तुमसे माफी मांगती हूँ। नील सारा के ऐसे अपोलोजाइजिंग अंदाज को देखकर तंग रह गया था। किसी नॉर्मल इंसान की तरह उसने भी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारा मलिक कभी उससे माफी मांग सकती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो नील इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि वो सपने में तो नहीं है। सारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक और बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। वैसे तो ये बात मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच मुझे उस दिन रिपोर्टर से बचाने के लिए, उस फर्स्ट एड के लिए और मुक्तारन टीम के लिए भी। अपनी बात कहते वक्त सारा बहुत ही जेन्युइन लग रही थी। उसके बाद सारा चुप हो गई, शायद क्योंकि उसके पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। लेकिन नील की हालत इससे बिल्कुल उल्टी थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद नील ने ध्यान से अपने शब्द चुनते हुए कहा, जो हो गया उसे क्यों याद करना, और अगर करना भी है तो ये सेम वर्ड्स मुझे भी तुमसे कहने चाहिए। सारा नील की बात सहन कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए उसकी तरफ देखने लगी। नील ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुमने भी तो अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड में रखकर मुझे ये जॉब दी, थैंक यू। और गलतियां तो मैंने भी की हैं, उस दिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहना ही ले लो। मेरी उस गलती की वजह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तो मैस हो गई होगी, आई एम सॉरी। अपनी बात कहने के बाद नील ने सारा को एक स्माइल के साथ देखा और एक नई शुरुआत करने के मोटिव से सारा के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। नील के हाथ को देखकर अब सारा के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। सारा ने नील की आंखों में देखा और उससे अपना हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स। सारा और नील ने इससे पहले एक दूसरे के साथ इतने लंबे वक्त के लिए कभी बात नहीं की थी। वो दोनों जब भी मिलते थे, या तो वो काम के बारे में डिस्कस करते या फिर उनका झगड़ा हो जाता। सारा ने फिर नील का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारा अपना कोई रूम ही नहीं है तो अगर कल रात हम नहीं मिलते तो तुम सोने कहां जाते? सारा की बात सुनकर नील ने कुछ सोचने का नाटक किया। जब उसने नोटिस किया कि सारा सच में उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, उसने सारा से कहा, शायद गार्डन में। नील के इस बात पर सारा खिलखिलाने लगी, नील भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी हो गए। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। सांटोरिनी आइलैंड्स के फिरा चर्च के पास सारा और नील को सक्सेसफुली कमरे में बंद करने के बाद सभी सांटोरिनी आइलैंड्स घूमने बाहर आ गए। रोहन और रोशेल ने मैनेजर शाह और विराट से ये तक कह दिया था कि सारा और नील साथ में थोड़ा वक्त अकेले बिताना चाहते हैं। रोशेल ने रोहन से धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, रोजवुड रिजॉर्ट में सब ठीक तो होगा ना? अगर किसी वेटर ने दरवाजा खोल दिया तो? मुझे तो सारा और नील की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे होंगे। रोशेल को इस तरह पैनिक होते हुए देखकर रोहन को बहुत मजा आ रहा था। उसने रोशेल को काम डाउन करते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला। मैं एलेक्स को बताकर आया हूँ कि कमरे में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो हमारे वापस जाने तक किसी को दरवाजा खोलने नहीं देगा। और रही बात सारा और नील की, तो जब तक दोनों साथ हैं उन्हें क्या हो सकता है, वैसे कुछ होने के चांसेस तो हैं। रोहन के आखिरी वर्ड्स में शरारत साफ झलक रही थी। उसकी बातों को सुनने के बाद रोशेल की सारी टेंशन ही गायब हो गई और उसने फिरा के उस एंशियंट चर्च को एक्सप्लोर करना शुरू किया। रोशेल के जाने के बाद विराज रोहन के पास आ गया और दोनों उस मिल्की व्हाइट चर्च के बाहर फोटोज निकालने लगे। एक दो सेल्फीज लेने के बाद रोहन ने विराज से कहा, ओके, अब मेरी कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक करो, उसमें मेरी पूरी बॉडी नजर आनी चाहिए और बैकग्राउंड में यहाँ की पूरी सीनरी भी कवर होनी चाहिए।
विराज एक बहुत ही ओबीडियंट असिस्टेंट था और रोहन उसके बॉस का खास दोस्त, तो इसलिए विराज रोहन की हर बात मानता था। उसने रोहन के हाथों से मोबाइल लेते हुए कहा, ओके सर, आप अच्छा सा पोज बनाइए, और उसने तस्वीरें खींचना शुरू किया। रोहन की कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद विराज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लगने लगा। रोहन ने उसके किसी कपल की तरफ देखने को महसूस किया। भाई, कहीं वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं जिसे तुम गोवा छोड़कर आए थे, और अब वो तुम्हें यहाँ किसी और के साथ नजर आ रही है? रोहन अपने प्रोफेशन और सोशल स्टेटस से ऑपोजिट ऐसी बातों में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसका ये गॉसिपी और नोजी नेचर उसे अक्सर मुसीबत में डाल देता था, लेकिन रोहन था कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन आज शायद किस्मत ने उसे अच्छा सबक सिखाने का प्लान किया था। रोहन के सवाल को विराज ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उस कपल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहीं ये वही कपल तो नहीं जिन्हें हमने कल एथेंस में देखा था? हाँ, ये वही कपल है। जैसे ही रोहन ने विराज के मुंह से कल वाला कपल सुना, वो उन दोनों की तरफ ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन में कहा, हे भगवान, पहले तो मैं मेरी सिंड्रेला, मेरी विनी को देखने के मौके ढूंढता रहता था, लेकिन जब से मुझे विनी इस बदसूरत लड़के के साथ दिखी है, मैं उसे एक नजर भी देख नहीं पाता। ओ गॉड, मेरी एक दुआ मान लो, उन दोनों का ब्रेकअप करा दो। रोहन के ख्यालों से अनजान विराज उन दोनों की तरफ देखते नहीं थक रहा था। उसने कहा, उन दोनों को देखकर लगता है जैसे वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे, बड़ा ही प्यारा कपल है उनका। इसके इस बात को सुनने के बाद रोहन ने उसे वहां से चलने को कहा और अपने आप से इरिटेट होकर कहा, यार उनको कपल तो मत कहो, जख्म पे सॉस लगाने वाली फीलिंग आती है। कुछ देर घूमने के बाद सब शाम को रोजवुड रिसोर्ट वापस लौटे। रोशेल ने चुपचाप उसके रूम का लॉक खोल दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब सारा और नील डिनर के लिए सबके पास आए, रोशेल और रोहन के हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारा और नील एक साथ बातें करते हुए आ रहे थे। उन दोनों को देखकर मैनेजर शाह ने उनसे पूछा, मिस मलिक, नील सर, आपकी डेट कैसी रही? हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन जब हमें पता चला कि आप डेट पर गए हैं, वी वर हैप्पी। विराज ने भी मैनेजर शाह की बात से सहमति दिखाई। उसने कहा, हाँ, हमने आप दोनों को सच में बहुत मिस किया। आप कहाँ गए थे? मैनेजर शाह और विराज के सवालों को सुनने के बाद सारा और नील ने रोशेल की ओर देखा। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। रोशेल उनके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर यहां वहां आंखें घुमाने लगी। उसने सोचते हुए मन ही मन में कहा, इनको मिलाने के चक्कर में मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती, और ये प्लान तो रोहन का था ना, मैंने तो बस थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया था, ये दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोहन के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोशेल के रिएक्शन पर ध्यान दिए बिना सारा ने सबके सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, हम तो रिजॉर्ट में ही थे, और रही बात डेट की, तो हमने एंजॉय भी किया। सारा ने अपने लास्ट वर्ड्स कहते वक्त नील की तरफ देखा। सारा और नील को एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल देखकर रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नील ने सारा की ओर देखते हुए कहा, ये डेट हमारे लिए थोड़ी ज्यादा ही जरूरी थी। सारा और नील के इतने रोमांटिक बिहेवियर को देखकर मैनेजर शाह और विराज उनके लिए बहुत खुश थे, तो रोहन और रोशेल कंफ्यूज थे। रोशेल ने फुसफुसाते हुए रोहन से कहा, क्या इन्हें ऐसा देखने के बाद हमें प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहन ने भी कंफ्यूज एक्सप्रेशन में रोशेल को जवाब देते हुए कहा, शायद हाँ, बट ये हमारा प्लान था, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रोहन और रोशेल के आपस में ही चल रही इस कॉन्वर्सेशन के बाद उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सभी गार्डन में बैठे हुए थे और पास ही में विराज ने बारबेक्यू का भी इंतजाम कर रखा था। सारा विराज के साथ मीट और बेबी कॉर्न फ्राई करने लगी। काम करते वक्त सारा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार बिना हाथों को यूज किए अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोशिश सारा के किसी काम नहीं आई। तभी किसी ने आकर सारा के जुल्फों को उसके कान के पीछे किया। सारा ने देखा तो नील उसकी हेल्प कर रहा था। सारा ने उससे कहा, थैंक यू।
नील ने उसके हाथों से ग्रिल स्टिक्स को अपने हाथों में ले लिया। ये मुझे दे दो, तुम बैठ जाओ, ये मैं करता हूं। नील ने सारा से केयरिंग होते हुए कहा। सारा ने भी कोई ऑब्जेक्शन लिए बगैर नील की बात मान ली। वो आज हुई हर बात से बहुत खुश था, लेकिन किसे पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी।